हाँ बोलिए माला जी। राधे कृष्णा साधना मैम। राधे कृष्णा। राघवी मैम, जो साइनस के पॉइंट्स आपने बताए हैं सभी फिंगर्स में हैं फीट के, तो जैसे अगर किसी को उसमें एक दो पॉइंट में पेन होता है तो हम कह सकते हैं कि साइनस का प्रॉब्लम है या सारे पॉइंट्स में होना जरूरी है? नहीं नहीं, मैंने कल आपको बोला ना कि जो रिफ्लेक्सो के जो पॉइंट बताया सब में होना जरूरी नहीं है, कोई एक दो तीन उनमें हो सकता है, तो जिस पॉइंट पे हो रहा है उसी पॉइंट पे डेली प्रेस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके चलिए, तो एक आपने फीडबैक सेशन, छोटा सा एक फीडबैक सेशन ले लेते हैं। एक बार मैम क्या बोले? लास्ट क्वेश्चन मैम, लास्ट बोलिए जल्दी से मैम। जो आपने कल टेस्टिस और ओवरीज के पॉइंट्स बताए थे चार एंगल के दोनों तरफ, तो मैम इज इट पॉसिबल कि एक्चुअली किसी को है फैमिली में बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पीसीओडी मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट वो जब चलते हैं वॉकिंग भी करते हैं 20 मिनट्स की तो उनको पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और सारा दिन रहता है, तो वो भी क्या टेस्टिस और ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी? कहाँ पे पेन बढ़ जाता है? उस एंकल में, मतलब ऊपर एडी में। नहीं 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 नहीं, वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो पॉइंट वहीं पर पेन होता है जहां आपने टेस्टिस और ओवरीज बताई। हाँ लेकिन वो उससे वैसे उससे रिलेटेड नहीं है। देखिए अलग अलग थेरेपीज के हिसाब से अलग अलग मतलब उस एरिया में अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, तो जो चलते टाइम जो पेन हो रहा है उसका, उसके लिए आप ये नहीं बोलोगे कि टेस्टिस और ओवरीज। आप वहां पे प्रेस करोगे ना, प्रेस करोगे तो वहां पे पेन आना चाहिए, बिना ऐसे ही वो आ रहा है उसका रीजन वो नहीं है। तो उसका रीजन क्या होगा मैम? जब चलते हुए पेन हो जाता है ऊपर की साइड एंकल में, नीचे की साइड में वहाँ एडी के पास। देखिए जो अगर मेरिडियन पॉइंट पता है ना, तो मेरिडियन पॉइंट जो उधर से पास होता है ना, उसके वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। मामी को स्कैट लगाइए। जैसे सियाटिका पेन क्या होता है कि पूरा बैक साइड से और साइड से पूरा लेग में आता है, नीचे तक आ जाता है। हाँ जी, तो ये पूरा एक नर्व का प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, तो मैम इस पेन को क्या कहेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? एक्चुअली केवल इससे हम नहीं बोल सकते ना, मेरे को उनकी हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी ना। हिस्ट्री तो ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको वॉकिंग करते हुए पेन होता है और सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, सब ठीक बताते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, उनका जो एंकल का पॉइंट है ना हैंड्स में, हाँ जी, वहां पे आप मेथी लगा दीजिए। ओके ठीक है। ओके मैम, वो कुछ दिन करिए उनका चला जाएगा। मैम बोलिए। थैंक यू मैम। हाँ वेलकम। एक बार साधना मैम आए हैं, उनको एक बार बात करने दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे अपनी कंटिन्यू। राइट। मैम अनम्यूट कर लीजिए ना साधना मैम। हाँ जी, तो मैं ये बोल रही हूँ, एक सेकंड। ओके, तो आई वॉज लाइक कि अभी तक तो मैं एक भी क्लास में आई नहीं, तो चलो बच्चों से कुछ फीडबैक ले, क्योंकि फर्स्ट टाइम डॉक्टर राघवी ने हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, तो कैसा लग रहा है सबको ज्वाइन करके। एक एक करके थोड़ा थोड़ा फीडबैक देंगे। और अभी वो जो लीवर से रिलेटेड किसी ने बताया कि उनका ठीक हो गया, तो वो क्या इशू था और कैसे ठीक हुआ वो सब लोग बताएंगे मुझे। रेणु गुप्ता जी बताएंगे। रेणु जी कैसी रही क्लास? मैम मैं बोल रही हूँ पर आई डोंट नो वेयर द ज़ूम हैज गॉन। सबसे पहले तो साधना मैम आपको थैंक यू कि आप इस प्लेटफॉर्म पर राघवी जी जैसी एक मिनट में ना आपको वो कर देती हूँ ना, पिन कर देती हूँ। कहाँ गया? मैंने आज मैं फोन से अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे खुद ही आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल क्योंकि हम कहीं बाहर हैं। ओके, तो सबसे पहले तो साधना मैम आपको ही थैंक यू कि आपने राघवी जी को यहाँ इन्वाइट किया, एंड आई थिंक हम सब ब्लेस्ड है कि हमें राघवी जी से सीखने को मिला। तो इट वॉज फैंटास्टिक लर्निंग। और जो डे टू डे जो चीजें हमारी लाइफ को की क्वालिटी को इतना हैम्पर करती हैं म्यूटेड रेनू जी आप म्यूट हो गए। नहीं सुनाई दे रहा। अब रेनू जी बोलिए, आप म्यूट हो। हाँ अभी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए रेनू जी। रेनू जी हाँ, तो आपको सुनाई दे रहा है मैम? हाँ सुनाई दे रहा है। तो मैं यही कह रही थी कि राघवी जी ने सरलता से हम लोगों को एक्सप्लेन किया और पेशेंस भी बहुत है उनमें, बहुत क्लियरली उन्होंने कई बार बताया कि पॉइंट्स कहाँ पे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर कैसे हमें वर्क करना है, कितना वर्क करना है, अगर हम ओवरडू करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर हमें फायदे पता होते हैं किसी चीज के तो हमें नुकसान भी पता होने चाहिए। सो आई थिंक वी गॉट अ लॉट। नाउ हमारे ऊपर है कि हम कितना रिवाइज करते हैं, कितना अप्लाई करते हैं और कितनी अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके गॉड ब्लेस यू। एनीवन एल्स? ओके मनीषा जी ने तो ऑलरेडी लिख दिया चैट बॉक्स में। मैं भी बोलना चाहूंगी साधना जी। जी जी बोलिए। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे लोगों को जो इतने बड़े होने के बाद भी अभी बॉडी के पॉइंट्स को नहीं समझते थे और ये सोचते थे कि दवा खा लें और ठीक हो जाएं, लेकिन इस क्लास को अटेंड करने के बाद शरीर की बारीकियां सब समझ में आई, कौन सा पॉइंट किसके लिए है, कौन सा कलर कहाँ के लिए है। दिस वाज अमेजिंग। कलर्स का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना इम्पैक्ट होता है बॉडी के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये लगी कि इतनी पेशेंटली उन्होंने हर चीज को बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और कई बार पूछने के बाद भी बहुत अच्छे से बताया और जितना सोचा था उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई क्लास। तो बहुत ज्ञानवर्धन के साथ साथ बहुत कुछ पता लगा और बहुत मतलब अच्छी तरह ये क्लास पूरी कंटिन्यू रही। तो इससे लर्निंग के साथ साथ सारी थेरेपीज का भी पता लगा, बॉडी में कहाँ कहाँ दर्द होते हैं उनका भी पता लगा और बहुत कुछ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब हम जैसे न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं, अगर इसमें भी प्रैक्टिस की तो ही फायदेमंद है, नहीं तो सब भूल जाएंगे। लेकिन पीडीएफ अगर बहुत टाइम से आए, हर चीज समय पर मिलती रही तो एक उत्साह बना रहा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप दोनों को बहुत बहुत। और हर समय मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरुणा जी। वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि आप जुड़े हो हमारे साथ और हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप दशा की प्रेडिक्शन करोगे उसको बिग डे होगा मेरे लिए। करूंगी और आपका बेटा ठीक है जी? बेटा ठीक है आपका? उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, एक दो बार मैंने मैसेज भी छोड़ा पर आप बिजी थी तो बात नहीं हो पाई। वो जो आपके प्रेडिक्शंस 100% सही रहे जो आपने बताया और बिल्कुल वही घटित हो रहा है और हुआ, तो वी आर ऑल वेरी मच इम्प्रेस्ड क्योंकि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को उसने इतने पैसे दिए, सबने झूठ मूठ बता दिया। और लेकिन आपसे बात करने के बाद ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने इतने खुल के जो प्रेडिक्शंस किए वो बिल्कुल सही उतरे, तो इसीलिए एक दो बार मैं आपसे बात भी करना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पा रही। चलो मैं आपसे करती हूँ अरुणा जी बात। जी थैंक यू सो मच। अरे बहुत सारे लोग रेडी हैं आपको तो फीडबैक देने के लिए। जी सीमा जी क्या हाल है? सीमा जी oh on top of the world Sadhana ji. As I always tell you that I feel blessed and really you know all the blessing goes to you because you get us such a good platform like you know and today like you know I feel ki jaise ek khazana mil gaya. राघवी जी ने जो कमाल का जो हमें इंट्रोड्यूस किया विद द कलर एंड कलर कॉन्सेप्ट एंड ऑल, so I feel जैसे you know ये सब पहले क्यों नहीं आया, ये कहाँ गई थी पहले? anyway देर आई दुरुस्त है। देखो नेम चेंज इन्होंने करा तो फिर इनको लाइफ में 360 डिग्री मिला तो हमने इनको अप्रोच करा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ। yeah so they no like they say ना कि when the student is ready the teacher appears सो आई थिंक ये सब टीचर हमारी जो थी वो सारा सीख वीख के हमको सिखाने के लिए इतना टाइम लगाया. सो आई वुड लाइक टू से ओनली टू थिंग्स. वन इज मैंने ना शुरू कर दिया है. ओके वाओ नाइस. हां मैंने शुरू कर दिया है applying, which says that I have been she has explained to us wonderfully. इसके लिए immediately मैंने start कर दिया है, ठीक है. And second is हमारा जो class था I think it was for only 7 days and today is the 9th day, तो 2 दिन और हमारा class extend हुआ, which says that her explanation to each one of us to show concern for our questions, our doubt for each one of us. That is why it has been extended. So I should say, Raghavi ji, you are a wonderful soul, wonderful person, and God bless you. And really wish you from bottom of my heart ki aapki saari duaein complete ho. Thank you. All your wishes, thank you, Seema ji. All your wishes come fulfill, yaar. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, and Sadhana ji, you too. Keep giving us such good platform, yaar. Yeah, obviously, I'm always do not stop. We are there to follow you. Bilkul. ऐसे बोलो, yeah. Thank you so much. Thank you so much. Next कौन है? सीमा जैन जी. कुछ क्वेरी है तो साथ साथ पूछ लो, है ना, वो भी सॉल्व होती जाएगी. वैसे तो सीरियसली हैंड्स ऑफ है राघवी जी के. मैम मैं एक एक्स्ट्रा क्वेरी क्लास लूंगी बच्चों की, मैंने की मर्जी है. गुड इवनिंग मैम. जी सीमा जी बताइए. एक्चुअली मैं जब पढ़ती थी तो मुझे मन में कहीं ऐसा था कि कभी मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी थी कि मैं आगे ना तो पढ़ पाई ना डॉक्टर बन पाई. लेकिन राघवी जी से जो सीखा है अगर वो मैं अप्लाई करूंगी तो डेफिनेटली मैं, भले नाम के आगे डॉक्टर ना लगे, लेकिन मैं वो यूज करके वो थेरेपी को अप्लाई करके डॉक्टर तो जरूर बन जाऊंगी, जो मेरा ड्रीम था. तो थैंक यू. और दूसरे आपके बहुत सारे क्लासेस मैं करना चाहती हूँ, लेकिन शायद यूनिवर्स ने मुझे ये क्लास के लिए पहले चुना तो मैंने ये पहले कर ली. तो आगे भी जुड़ना चाहूंगी ऐसे ही कुछ कोर्स जो लाइफ में मैं यूज कर सकूं और दूसरों को भी दे सकूं नॉलेज. तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम और बहुत थैंक यू. और जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी उस दिन मेरे बहुत ज्यादा शोल्डर पेन था, तो 3 दिन तो कंटिन्यू रहा. अभी तो बहुत बेटर है लेकिन कम है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इस क्लास से. ओके, मतलब कलर थेरेपी यूज करके आपका शोल्डर पेन कम हुआ? जी जी, अभी भी लगा ही हूँ, मतलब दिन में 1 बार तो मैं लगाती हूँ. उन्होंने जैसे बोला और मुद्रा भी बोली थी वो भी मैं यूज कर रही थी. तो थैंक यू सो मच आप दोनों का, साधना मैम और राघवी जी का. थैंक यू एंड लव यू मैम. और अगर यूनिवर्स ने चाहा तो मैं आगे भी ऐसे ही कुछ कोर्स करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से. थैंक यू सो मच. ऑलवेज सीमा जी, आप अगर शब्द हटा दीजिए, डोंट से अगर यूनिवर्स ने चाहा. नहीं, ये है ना, ये चीज मैंने अपनी इतनी लाइफ में देखा है कि बहुत सारी चीजें मैं चाहती हूँ लेकिन जब तक उसका टाइम नहीं आता है ना वो मुझे मिलती नहीं है. क्योंकि सीमा जी देखो, आप डॉक्टर बनना चाहते थे ना, मैं वही बोल रही हूँ ना कि मेरा बचपन का था सपना, ये मिल गया इसलिए यूनिवर्स को थैंक्स फॉर. हाँ वही मैं बोल रही हूँ, यूनिवर्स ने मुझे चुना था तब मैं जुड़ी आज, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ स्ट्रगलिंग में गई. मेरा बचपन, मेरी जवानी और यहाँ तक की जर्नी भी मेरी स्ट्रगलिंग है. तो ये मेरा जो कोर्स था वो यूनिवर्स की वजह से मुझे मिला है. यूनिवर्स ने मेरे लिए अच्छा लिखा है तब मैं आगे भी बढ़ूंगी. मैं इसलिए हार कभी नहीं मानती हूँ, चाहे कितने भी जीवन में तूफान आए मैं कभी हारती नहीं, बस कहीं ना कहीं अटक जाती हूँ, इतना ही. बिल्कुल, तूफान तो आने भी चाहिए. अप्स एंड डाउन्स वाली लाइफ बहुत कुछ सिखाती है कि नहीं मैम? 43 इयर्स हो गए मुझे फेस करते हुए, और कितना नहीं. अब एक्चुअली क्या होता है कि जो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है ना उसमें आप इतना सीखते हो कि अब आप मार नहीं खाओगे कहीं से. लेकिन मेरा नंबर भी मैम 4 है, 22 नंबर है मेरा. मैं भी 4 नंबर हूँ सीमा जी. लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी मैम, लेकिन हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि हम लोग पढ़ नहीं पाए. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे था मुझे पढ़ना है, लेकिन कुछ संजोग ही ऐसे थे हमारे. तो ठीक है, समझ आया ना आपको? जी मैम, ग्रेट, थैंक यू सो मच. लव यू मैम. लव यू टू, गॉड ब्लेस यू. स्नेहा तिब्रेवाल जी. मैम ओम साई राम. साधना मैम, राघवी मैम, आप संगीता जी के रिलेशन में हो? नहीं मैम. अच्छा ओके, थर्ड कोर्स है एसआर के प्लेटफॉर्म से। मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी किया है एंड वो क्रोनोलॉजी भी किया है, इसलिए नाम चेंज किया है अपना। अच्छा ओके। हाँ मैम, मैम ये कोर्स सीरियसली बहुत अच्छा था। जैसे सीमा मैम ने बोला, सीरियसली मुझे भी बायोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक था, डॉक्टर का, बट सब पेरेंट्स लोग ने बोला नहीं नहीं करोगे कॉमर्स ही ले लो। तो अब जब ये सब सीखने मिल रहा है तो लग रहा है कि नहीं मैं सबको, मतलब इतने छोटे, मैं शायद सभी प्लेटफॉर्म में सबसे छोटी ही रहती हूँ एक्चुअली सभी कोर्सेज में शायद मैं सबसे छोटी रहती हूँ। तो मेरे को लगता है कि मैं अभी से इतना कर रही हूँ तो आगे तो मतलब बहुत ही अच्छा करूंगी। एंड राघवी मैम ने बहुत सीरियसली बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हर पॉइंट को। इवन क्लासेस भी लाइक 2.5 आवर्स 3 आवर्स एक्सटेंड हो जाते थे तो भी मैम ने मतलब सबका क्वेश्चंस लेती थी। ये मुझे सबसे अच्छा क्वालिटी लगा मैम का। एंड थैंक यू मैम। और ऐसे ही कोर्सेज लाइए, और आगे भी मैम आप बैच फ्लावर रेमेडी भी लेके आइएगा, वो भी ज्वाइन करना है। श्योर लेके आएंगे नेक्स्ट बैच फ्लावर रेमेडीज। यस मैम। एंड ऐसे ही मैम साधना मैम आप भी बहुत सारे कोर्सेज लाइए। थर्ड से मतलब 30 कोर्सेज कर लूंगी बिल्कुल आप लोगों के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे स्नेहा जी। हाँ मैम चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी एम शर्मा जी, अरे कैसे हो मैडम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सारा कुछ तो सबने बोल दिया, मुझे मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जब बहुत अच्छा लगता है तो शब्द मौन हो जाते हैं। मैंने क्या सीखा मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, इन्होंने कलर्स के बारे में बताया था तो मैंने बना लिया। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने इनसे क्या क्या नहीं सीखा, वो भी ये देखिए दोनों हाथ मेरे। ओके अच्छा, आपने अपने नोट्स बनाए। हाँ, इसके बाद इन्होंने कहाँ पर कौन सा ऑर्गन है मैं अब आसानी से देख सकती हूँ। ये बिल्कुल आई कैन सी। तो ये सारा मतलब ये सब इन्हीं की देन है। और जैसे इन्होंने कहा कि हाथ पे भी है तो मैं फटाफट निकाल के लेकर आई और हाथों को देख रही हूँ कहाँ पर कौन सा पॉइंट किस तरह से है। अरे वाह, प्रोजेक्ट बन गया इनका तो। इनको तो 200% मार्क्स मिलेंगे। और ये पाँव में जैसे इन्होंने कहा कव वगैरह, और मैंने तो सिर्फ जिम्मी को रगड़ा ही था। अब पता नहीं मेरी कौन कौन सी पेन ठीक हो गई, मुझे अब तो ये भी याद नहीं रहा कि मेरे पास पेन खुद थी या कौन सी थी। ये मैंने एक्टिंग कर रही थी, झूठ बोल रही थी नहीं नहीं एक्टिंग नहीं, आपने कलर थेरेपी और ये सब जो इन्होंने सिखाया है रिफ्लेक्सोलॉजी ऑल यूज करा है, दैट इज व्हाई आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, और यही है कि मैं यूज करती रहूं और इनको हमेशा दुआएं देती रहूं। ऐसी आप लोगों से भी आशीर्वाद। फुल माँ शर्मा जी, आपकी ब्लेसिंग हमें चाहिए। और पैसे देने मत आया करो, आप कोई भी कोर्स करो, हमारा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पैसा तो यही रह जाएगा, ज्ञान और यादें जाएंगे मेरे साथ तो सच अ ब्लेस सोल, सीरियसली ब्लेस हैव यू हियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। प्रवीण लता जी क्या हाल है? प्रवीण जी सो गए। प्रवीण लता जी सारी कलर थेरेपी करा दी है राघवी जी ने, अब वो निश्चिंत होके सो रही है। अनम्यूट करो सो नहीं रही थी मैं, तो इसके ऊपर ही अपना वो देने वाली हूँ रिव्यू। मैम ने बोला एक दिन ना मेरे को, मैं काफी दिन से अपसेटिंग थी कोई किसी बात को लेके, एक दिन मैंने ब्लैक कलर लगा के और अपने आराम से ये थंब पे भी लगा दिया और साइड पे भी लगा दिया, तो ऐसी सोई कि मेरे को 5-6 घंटे पता ही नहीं कहाँ पड़ी अच्छा रिलैक्स हो गया एकदम एकदम, ऐसे सुला दिया मैम के कलर ने तो मेरे को। और मैम को तो सल्यूट है, वो जितनी बार मर्जी पूछो वो इतनी पेशेंसली बताते रहे। और सभी ने मेरे को ये इतना मतलब इतना मजा आया ना, ऐसे लगा कि ये मेरा परिवार, मेरे को ये वाला असली मिला आज जिंदगी में बाकी परिवार तो सभी नकली थे। जैसे बात करती थी मैम से तो जब सभी रिप्लाई करते ना तो इतना मजा लगा ना मेरे को, मतलब मैं आपको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। थैंक यू टू ऑल। और आपसे तो मेरा बहुत देर से 21st से मैं लगी हुई हूँ आपके पीछे तो मैम के साथ मैं मतलब 21 से जुड़ी हुई हूँ, उसके लिए आपका थैंक यू मैम। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। हैप्पी टू सी कि आपको अभी से फर्क पड़ रहा है तो बाद में तो कितना पड़ेगा। बस इतना है, थोड़ा मेरा अभी भी वो भूल जाती हूँ, बात समझती हूँ फिर भूल जाती हूँ, थोड़ा ये चल रहा है, वो धीरे धीरे हो जाएगा कवर वो भी। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। माला गोयल जी, चलो फटाफट कर लेते हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, सब बच्चे न्यूमरोलॉजी वाले हैं, मेडिकल वाले हैं। रागिनी मैम ने भी पढ़ना है आपकी, सभी वही है। न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स ही है सारे इसमें। हाँ सारे। माला गोयल जी भी न्यूमरोलॉजी करनी है। जी माला जी बताइए मैम। अच्छा ये देखो हार्ट आ गया आपके लिए। मैम अमेजिंग मैम, सोचा नहीं था मतलब क्या क्या करेंगे क्या होगा, बट मजा आ गया मैम। और आपकी मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी मजा तो आ रहा है बट साथ में सोच भी आ रही है उसमें, इसमें तो हमें सोच आ रही है हाँ बस अब ठीक हो जाएंगे अब ठीक हो जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में ऐसा लग रहा है अरे ये योग भी है अभी क्या करना है। रेमेडीज नहीं आई ना अभी उसमें, रेमेडीज के बाद आपको रिलैक्स फील होगा। यस मैम। तो ऐसा कोई भी डीओबी नहीं है जिसमें कोई नेगेटिव योग ना बन रहा हो, है ना, लेकिन वी हैव रेमेडीज। ओके, ग्रेटिट्यूड फ्रॉम हार्ट मिला आपको राघवी जी, आपको भी मैम। थैंक यू माला जी, थैंक यू सो मच। मिलाया तो आपने है ना मैम। मैम बहुत प्यारे तरीके से बताया, बहुत पेशेंटली, और सारी क्वेरीज बताते हैं मैम, मतलब पूरा अच्छे से सुनते हैं। और मतलब मैम मैंने काफी कोर्सेज किए हैं मैम, जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी थी काफी कोर्सेज किए थे, जिसमें मैम ब्लॉक कर दिया जाता था कुछ दिनों के बाद ग्रुप को, और हम आपस में भी नहीं पूछ पाते थे, बट आपने स्टार्टिंग में ये एश्योरेंस दी थी कि ग्रुप ओपन रहेगा, तो जो ग्रुप में एक्टिव लोग होंगे या जिनको श्योरिटी होगी तो वो आंसर भी कर सकेंगे, और टीचर को भी जब भी टाइम होगा टीचर भी आंसर कर देंगे। तो मैम वो चीज मैं देख भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ, और जिस तरीके से मैम ने बताया है वो चीज भी है मैम। ज्यादातर जब मैंने कोर्सेज किए हैं ना तब मुझे ये जवाब मिलते थे कि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए मैम। वो पूरी रिकॉर्डिंग देखना 0 से 1 तक कि कहाँ पे वो क्वेरी आई होगी, तो रियली डिफिकल्ट, और 1 मिनट का आंसर होता है मैम अगर टीचर वो हमें बता देती है। तो इस कोर्स में मुझे वो चीज सब कुछ मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल। Thank you माला जी, thank you माला जी for your lovely people. Thank you. God bless you. अंजलि जैन जी, मेरा पता नहीं 4-5 दिन से मैं आपको विजिबल हूँ जी बिल्कुल, पर मैं अपने स्क्रीन पे 5-7 दिन हो गए मैं अपने को नहीं देख पा रही, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं, पर मेरे को रिस्पॉन्स तो मैडम से मिलता रहा। खैर वो असाइड, मैडम बहुत अच्छा कोर्स लगा। सबसे बड़ी बात मतलब आपने मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ पता था क्योंकि कराया था, सुजूक थेरेपी कराया था पेन्स वेन्स के लिए, तो उस तरह से सुपरफिशियल नॉलेज थी। यहाँ जो डेप्थ में नॉलेज गई कि किसको बढ़ाना है किसको घटाना है, बस हर समय वही मतलब वो पकड़ में आया। और आपने हमको मतलब आप एंड तक लगे रहे कि पहले इसको पकड़ो तभी मैं पॉइंट बताऊंगी, वो एप्रोच जो आपका था सही बात है, उस वजह से तो फिर पढ़ना ही पड़ता था। और पढ़ के फिर वो समझ भी आया, अदरवाइज क्या होता कि जैसे गूगल में देख लिया पॉइंट और लगा लिया उस पर चला जाता काम। तो आपने इतना डीपली इतना सिंसियरली हमको ये सारा ज्ञान दिया, और मतलब भर भर के दिया है, गागर में सागर जिसे कहते हैं, कि भर भर के आपने वो ज्ञान दिया है। वो नेचुरली एप्लीकेबल भी कर रहे हैं। मैं ओब्स्टेटिकल लगाती हूँ, मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, मैंने आज हेयर कट भी ले लिया क्योंकि बाल बहुत झड़ रहे थे, तो बाल वो हो गया मेरा बहुत अच्छा। और बाकी डायबिटीज का पॉइंट लगा रही हूँ, पेन्स का भी काफी, बस एक ही रिलीफ नहीं मिल पा रहा। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी 3-3, 4-4 घंटे बैठते हैं, बीच में उठते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जाने वॉशरूम वगैरह, पर वो जब उठते हैं तो वो स्टिफनेस जो उन्होंने सीमा जी ने पूछा भी था, तो वो स्टिफनेस बहुत आती है, एकदम से खड़े नहीं होते बनता नहीं। वो स्टिफनेस का रीजन वही है ना, बॉडी में मतलब गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम जब तक रहेगा ना, मुझे गैस्ट्रिक का नहीं है, मुझे गैस्ट्रिक का नहीं है। मैंने सीमा जी को आपने आंसर किया था तब मैंने कहा था मुझे गैस्ट्रिक का ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम, नहीं क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी बहुत रुक जाती है। नहीं गैस्ट्रिक का देखिए, आपको लगता है कि आपको नहीं है, कुछ बब्स नहीं आते या ऐसा, मोस्टली लोग मेरे पास आते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि नहीं हमको तो गैस्ट्रिक का इश्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है कि गैस अगर रिलीज हो जाता है ना, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, वो अंदर ही है तो आप, मेरे डॉक्टर ने भी एक बार यही किया था लास्ट ईयर, उसने मेरे पॉइंट्स पे, उसने जहां जहां हाथ रखे वहां दर्द हुआ पॉइंट्स पे, और ऐसे मुझे डकारे आना हो, विजिबल मेरे को कोई विजिबल सिम्टम नहीं होता नहीं, लेकिन है आपको इशू ये। हाँ है, वो बात मैं आपसे मतलब टैली करती हूँ कि वो है मुझे। तो आपकी क्लास को बहुत ज्यादा मिस करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से, और फिर इतना लिटरेचर आपने दिया। सही बात है कि और प्लेटफॉर्म से सब ब्लॉकेज के साथ देखते हैं कि भाई 6 मंथ में 3 मंथ में खत्म हो जाएगा, फिर आंसर नहीं करेंगे डायरेक्ट पीटी, तो उससे फर्क पड़ता है एक साथ। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है ना कि जल्दी से सीख जाए, जब मिल गया हमें तो अब हम अपने उसको टाइम जोन में अपने फिट करके चीज को सीख पाएंगे। तो मैं पहली बार जुड़ी इस प्लेटफॉर्म से, आपकी क्लास से जुड़ी, फिर अभी मैडम का न्यूमरोलॉजी मेडिकल वाले से भी जुड़ी हूँ। तो आई एम रियली लाइकिंग दिस प्लेटफॉर्म। साधना मैडम में भी इतना पेशेंस है, वो एक एक आंसर इतने अच्छे से देते हैं, और आप में भी बहुत पेशेंस है। यू आर सच अ गुड टीचर्स। ये प्लेटफॉर्म मुझे अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म हो गया अब, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको भी मतलब आगे आप इस लाइन में, क्योंकि बहुत जरूरत है हमारी सोसाइटी को ना ऑल्टरनेट थेरेपीज की, बहुत जरूरत है। बिल्कुल, बहुत डॉक्टर्स हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हम भी बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू अंजलि जी फॉर योर लवली फीडबैक। और मैं सबकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे 2-2 साल पुराने ग्रुप्स अभी तक ओपन है, तो ये तो अभी हमारा प्रेजेंट बैच है। हमारे बैचेस कभी भी बंद नहीं होते, हमेशा ओपन रहते। थैंक यू अंजलि जी। स्वागतिका जी नहीं है, उनका एक बहुत अच्छा रिव्यू था, कहाँ गए वो? स्वागतिका जो है वो उसमें आई नहीं है, अभी 10 महाविद्या में ज्वाइन हुई है। हाँ। एक्चुअली उनको क्या इश्यू था कि कल बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही थी उनको। अच्छा। तो वो यही बोल रहे थे कि मैं मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद भी मेरे को आराम नहीं आता है। तो कल ही उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने उनको कलर थेरेपी बताया, और आज क्लास जब स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपना रिव्यू दिया कि वो कंट्रोल में आ गई है विदाउट एनी मेडिसिन। अरे वाह, कलर थेरेपी से 24 आवर्स भी वर्क करती है ये। नेक्स्ट रश्मि जी। हाय मैम, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं घर के बाहर हूँ, मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी इस क्लास के दौरान। इतना अमेजिंग क्लास है, मैं खुद की परेशानी बोल रही हूँ। मैं राघवी जी को भी, मैम को भी बोला था मेरा कितना इश्यूज है, मैम भी जानते हैं मेरा मल्टीपल इश्यूज है। और यहीं पे तो मतलब मैं यूके में रहती हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे डॉक्टर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करता है, यहाँ का मेडिकल बहुत इश्यूज है, मतलब सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भी मेरा ब्लड क्लॉट हो रहा था मेरा पैर में, सारा जगह पे, मैं चल नहीं पाती थी, मतलब थोड़ी देर के बाद चलती थी तो मुझे थकान सी होती थी और मेरा ब्रीदिंग ट्रबल भी होती थी। तो मैम जैसे जैसे मैंने क्लास में सीखा तो मैंने वो कलर थेरेपी अप्लाई करना शुरू किया, तो मेरा ब्लड, अभी भी मेरा इश्यूज पूरा तो नहीं गए, लेकिन मेरा ब्लड का जो क्लॉट का इश्यूज था पूरा ब्लैक हो रहे थे मेरे पैर में, अभी भी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। राघवी नहीं मैम, वो मतलब पैर दर्द होते हैं लेकिन वो जैसे स्पॉट हो जाते हैं ना, चला जाएगा। वो मैम वो जा रहे हैं, मैं इतना खुशी, मतलब 3 महीने से मैं डॉक्टर को यहाँ पे बोल रही हूँ, इन लोग भी मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता है, मतलब तुम मतलब जियो और मरो, हमसे क्या है ऐसे ही। नहीं हो जाए इधर, सच में यूके में, मैं ग्लासगो में, यहाँ पे एनएचएस का बहुत इश्यूज है, तो सबको यही प्रॉब्लम मिलता है। मतलब कोई भी डॉक्टर आपको पूछेगा आपको क्या दवाई चाहिए, वो आपको लिख देगा, ऐसा है। तो मैंने, मेरा बैक पेन का भी इश्यूज था कुछ महीने पहले, तो मैंने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे गूगल करके बोला ये वीडियो देख के तुम ये एक्सरसाइज कर लो। तो ओके। नहीं रेशमी जी, अब आपको ना इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, आप खुद के डॉक्टर खुद ही बन गए हो। यस मैम, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और रिफ्लेक्स और कलर थेरेपी दोनों कंबाइन करके करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। यस मैम, वो जो है उसको जो है वो जीनी के मुझे लेना है, मैं ऑनलाइन भी देखूंगी, मतलब वो मिलता है कि नहीं, इधर जरूर मिलेंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब थैंक यू शब्द बहुत छोटे हैं इधर मैं जितना भी ग्रेटिट्यूड दो ना, मैं क्लास करके थैंक यू सो मच, आई लव यू मैम। एंड थैंक्स साधना जी, आपको आपके दौरान मेरा ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्लास के दौरान मैं यंत्रम क्लास भी किया हूँ। एंड नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। चलिए तो क्वेरीज हैं किसी की तो पूछ लो, 10 मिनट ही और है, फिर राघवी जी की भी मेडिकल की क्लास है और बच्चों की भी है यहाँ पे हमारी 9 o'clock मेडिकल नहीं मैडम। क्वेरीज है, 5 मिनट और है, पूछ लो। मैम एक ना बच्चे की वो प्रॉब्लम चल रही है, उसने जो 2nd डोज वैक्सीनेशन करवाई थी कोरोना की, तो उसके बाद मतलब चेस्ट ब्लॉक होगी उसकी और कुछ भी हो थोड़े दिन बाद वो उसका ब्लॉकेज काफी नोज से भी होता है और साथ में वो चेस्ट भी ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए वो वैक्सीनेशन के रीजन से हुआ, उससे पहले उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो कनाडा में है तो वो कभी डॉक्टर हाँ तो कोई बात नहीं, आस्थमा कभी वो कुछ बोल रहे हैं, तो वो कोई भी रीजन हो तो उसके लिए कोई सिंगल मतलब आप बता दो प्लीज। कलर आपको उसके अंदर दिया हुआ है ना, चेस्ट कंजंक्शन का ही कलर यूज करना उसके लिए। हाँ लेकिन शायद कुछ भी मीन्स और भी यूज करना हो, जैसे उसको वैक्सीनेशन के बाद ही ये प्रॉब्लम हुई है, किसी से कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, बट यहीं पे तो ब्लॉकेज आ रहा है ना। उसका नेजल के अंदर चेस्ट एरिया में तो आ रहा है ब्लॉकेज। हाँ तो नेजल वाले पे भी लगा दो, दोनों पॉइंट पे लगा दो। ओके ठीक है, देखिए डिजीज मतलब रीजन कोई भी हो, हमें खाली सिम्टम्स को पहचानना है कि सिम्टम्स क्या है। ठीक है, उस सिम्टम्स को पहचान के जब आप ट्रीटमेंट करोगे ना तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है थैंक यू। राधिका जी बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने अभी कलर थेरेपी और एक्यूलर थेरेपी दोनों के लिए बोला ना, हाँ, तो दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? कौन सा कलर थेरेपी एक साथ कर सकते हैं? मतलब कलर थेरेपी और ये जो अभी आप पढ़ा रहे हो दोनों रिफ्लेक्सो, सॉरी। हाँ क्यों नहीं, दोनों अलग अलग साइंस आराम से कर सकते हो। अच्छा तो इसमें हम ये नहीं कर सकते जैसे, क्योंकि हमारे दोनों पाँव में सारे पॉइंट्स है, तो हम उनको हाँ। दोनों की अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं ताकि जो ठीक नहीं वो भी ठीक हो जाए और जो ठीक है वो हेल्दी हो जाए, ऐसे भी हो सकता हाँ। है। ओके मैम एक्चुअली मैं क्या बोलती हूँ, रात को सोते समय सब क्या करें, कोकोनट ऑयल अप्लाई करो अपने पाम में और सोल में, अच्छे से उसको रब करो और एक एक जॉइंट की अच्छे से मसाज करो, तो आपकी मतलब सारी बीमारियां इसी से ही चली जाएगी। या से एक एक जॉइंट को फ्री करेंगे ना, इस तरीके से मसाज करेंगे ना कोकोनट ऑयल लगा के सोल पे और पाम पे। और एक रीजन मुझे ये पूछना था कि जैसे बिना टाइम के हम लोगों को उबासी आती है, नींद जैसा होता है, तो वो किस कारण से होता है? मुझे वो खाली रीजन जानना है। वो मतलब जैसे अभी भी क्लास चल रही है तो मुझे ऐसे उबासी आ रही है नींद के जैसे, नींद आती नहीं है लेकिन वैसा होता है, तो सुबह के 11 बजे हो तो भी ऐसा ही हाल होता है, दिन में भी वही होता है और शाम को ऐसा। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, इसके कारण क्या होता है जब हम कहीं पे फोकस करने की कोशिश करते हैं ना तो नींद आने लग जाती है। तो फिर उसके लिए मैम ब्रेन हाँ प्राणायाम करो, और ब्रेन का जो पॉइंट है ना रिफ्लेक्सो में बताया है, अपने सारे फिंगर टिप्स को आप ऐसे प्रेस करोगे ना रेगुलर तो भी हो जाएगा, और जो रिफ्लेक्सो में मैंने ऐसे मसाज करने को बोला है ना वो भी करो। और पफी आईज होता है तो पफी आईज होता है तो उसका रीजन होता है किडनी। ओके ठीक है, तो आईज पे आप क्या कर सकते हो, वेट क्लोथ आईज पे लगा लो तो आईज रिलैक्स फील होएगी। और बेटर है कि आप जैसे अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजी और कलर थेरेपी इन दो की ही खाली प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना, कोई भी तरह का हेल्थ इश्यूज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इससे रिफ्लेक्सो में आपको कलर तो अप्लाई करना है नहीं, सारे पॉइंट्स प्रेस करने हैं और चेक करना है जहां पे प्रॉब्लम आ रही है। जिनके पफी आईज है ना, उनका किडनी का पॉइंट एक बार आप चेक करके देखिएगा। मैम मुझे ही है पफी आईज, हाँ, और तो काफी टाइम से 3-4 साल हो गए। चेक कर रहा आपका किडनी का पॉइंट चेक कर रहा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, बोलिए मनीषा। मैम मैंने जो बताया था कि मुझे मेरे अंगूठे के पास में जो बोन है, आपने कहा था कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है वहाँ ब्लू कलर लगाने के लिए, तो जब मैं 3 डेज से उसको ब्लू कलर लगा रही हूँ, लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, उससे नहीं आएगा, वो लोकल एरिया में लगा रहे हैं ना। हाँ, उसका कॉन्स्टिपेशन का कोई कनेक्शन नहीं है। ओ, वो हम लोकल एरिया में तो लगा रहे हैं ना, जहाँ पे हुआ है वहीं पे तो आप लगा रहे हो, तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो कुछ और रीजन से हो रहा है मे बी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड फॉर द इन्फॉर्मेशन, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। कितना है अभी? थैंक यू। सीमा जी म्यूट कर लीजिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बालों को झड़ना, मतलब सोवेरियर जो डर्मेटाइटिस होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, स्कैल्प में इचिंग भी होती है और फंगस के दौरान उसमें ना मतलब एसिडिक कुछ। देखिए, इसीलिए लेफ्ट हैंड पे आपको इसीलिए वो थंब के अराउंड वो ब्लैक कलर अप्लाई करने को बोला है, वही काफी है ना, और कुछ नहीं करना चाहिए। वो पूरे जो भी रीजन होगा उसको शॉर्ट आउट कर देगा, क्योंकि क्या है कि अगर फंगल है, डंड्रफ है या इचिंग है, किसी की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है, तो ये ब्लैक क्या करता है, सारे इन्फेक्शन को दूर कर देगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए मैम मेरा एक सवाल। बोलिए। I'm sorry. डायरिया होता है, डायरिया में वॉमिटिंग जैसे भी सिकनेस भी होती है साथ में, तो इट्स इन्फेक्शन राइट? हाँ, और डायरिया को स्टॉप करना है तो हम अर्थ को बैलेंस करेंगे। हाँ, बराबर ना, येलो करेंगे और फायर को ऑरेंज कलर करेंगे। मैम की आवाज आ रही है? सॉरी, नहीं, साधना मैम की आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। हाँ, तो येलो एंड ऑरेंज हम यूज करेंगे, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाएंगे हम, और इन्फेक्शन है इसके लिए हम वहां पे येलो और ब्लैक दोनों कलर अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, कोई की अब क्वेरी रह जाए तो आप ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। पहले नीट वाला डायग्राम शेयर कर दीजिए मैम, अगर आपके पास है तो। वो जो कौन सा डायग्राम? नेल साइड वाला मैम, जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी में हमने नीचे का तलवा शेयर किया है ना कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो ऊपर का पॉइंट्स मतलब नेल के साइड पे जो वेन्स आती हैं मैम, तो उधर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि जैसे मसाज करते हैं उधर ऐसे ऊपर की तरफ, तो पैर में, फीट में पेन आता है, तो वो मसाज के कौन मतलब वो पॉइंट्स कौन से हैं? अगर आपके पास वो डायग्राम होगा तो शेयर कर दीजिए। एक्चुअली वो ये नहीं है, मैंने आपको जो एक फर्स्ट वाला जो पीडीएफ शेयर किया है ना, उसमें देखिए मेरिडियन पॉइंट्स फुल बॉडी पे बहुत सारे नर्व्स दिख रहे हैं ना, वो मेरिडियन पॉइंट आप चेक कीजिए, वो कौन सा मेरिडियन अच्छा आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, है ना? ओके मैम, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत मिस करेंगे हम लोग। नहीं, जल्दी दूसरी क्लास लेके आएंगे, टेंशन मत कीजिए आप। यस मैम, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो हम न्यू क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। Yes, ma'am. Thank you. Amazing experience. Thank you, ma'am. God bless you. Bye bye. Thank you, ma'am. Keep writing in the group. Okay. Ma'am, क्या बोल रहे हैं?